जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की बाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें फेसबुक और ट्विटर पेज केपी की वाणी पर मैसेज के जरिए जरूर बताएं। मैं आपको परेशानी से दूर होने की उपाय जरूर बताऊंगी। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 16 अप्रैल। आज के दिन भगवान श्री नारायण हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए अब आज का राशिफल जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि की शुरुआत मेष राशि से करती हूँ। मेष राशि का कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जान लेते हैं। आज के दिन कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, बुद्धि और विवेक का अच्छा प्रयोग करेंगे, नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दिन खुशियों से भरपूर रहेगा, अपनी योग्यता से कठिन काम आसानी से सिद्ध करेंगे। चलिए जानते हैं वृषभ राशि का हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन ईमानदारी से काम करना बेहतर होगा, करियर में परिवर्तन हो सकता है। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का हाल कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन पार्टनरशिप से जुड़े लोगों को नुकसान हो सकता है, मन में डर की भावना घर कर सकती है। जीवन में किसी तरह का बदलाव ना करें, कीमती वस्तु के गुम होने की आशंका है, धन खर्च के योग बन रहे हैं। चलिए जानते हैं कर्क राशि का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन व्यापार में अच्छी तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, रोमांटिक लाइफ काफी अच्छी रहेगी, अपनी क्षमताओं का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। चलिए जानते हैं सिंह राशि का हाल कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, सकारात्मक रहने का प्रयास करें, जॉब में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कन्या राशि का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन मन संयमित रखने का प्रयास करें, बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी प्रसन्न रहेंगे, प्रियजनों से संबंध मजबूत होंगे, आपकी मेहनत आज सफल होगी, गंभीर विषयों को लेकर उत्साहित रहेंगे। चलिए जानते हैं तुला राशि का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन मन की बातों को किसी से शेयर ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, रिश्तों की मर्यादा भंग ना होने दें, धन की कमी आ सकती है, बीपी और शुगर के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का हाल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा, पदोन्नति हो सकती है, बॉस से आपके संबंध मजबूत होंगे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। चलिए जानते हैं धनु राशि का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन नए अनुबंध कर सकते हैं, व्यापार में लाभ होगा, परिवार का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार रहेंगे, जोखिम भरे निवेश की योजना बनाने से बचें। चलिए जानते हैं मकर राशि का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन रिश्तों की परेशानियां दूर होंगी, शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ महसूस करेंगे, जॉब की तकलीफें कम होंगी, रचनात्मक विषयों में रुचि जागृत होगी, परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करने का प्रयास करें। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन धन के मामले में कोई जोखिम ना लें,
लोग आपके काम को काफी गलत तरीके से देखेंगे। मानसिक रूप से तनाव ले सकते हैं, मनोबल कमजोर हो सकता है, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कम हो सकता है। चलिए जानते हैं मीन राशि का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन काम का तनाव कम होगा, समय आपके अनुकूल रहेगा, आय में बढ़ोतरी होगी, शानदार संपर्कों का लाभ उठाएंगे, बड़े भाई बहनों का व्यवहार काफी अच्छा रहेगा, लोग आपके व्यवहार से काफी आकर्षित भी होंगे। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। ग्रह नक्षत्र में बदलाव से राशिफल में भी बदलाव हो सकते हैं। यह राशिफल पूर्वानुमान पर आधारित भविष्यवाणी है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार भी राशिफल में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में आप हमेशा कर्मशील बने रहें। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय श्री।